इज अप, दिस इज दीपक। और अभी आपने जो स्क्रीनशॉट्स देखे वो कमेंट्स थे मेरी अमेजोन डिलीवरी बॉय चीटेड मी वाले वीडियो पे। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस यहाँ ऊपर कार्ड पे डाल दूंगा, वो देख लेना। लेकिन शॉर्ट वर्जन में मैं बता देता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। वेल, मैंने अपनी सिस्टर के लिए एक MI का फ़ोन ऑर्डर किया था जो मेरे पास आया, लेकिन डिलीवरी बॉय ने थोड़ा सा ड्रामा करके, एक्टिंग करके मुझे बेवकूफ़ बना दिया कि बॉक्स में मोबाइल नहीं है, और वो बॉक्स को ले गया। फिर 10 मिनट बाद वापस आता, बोलता है भाई तुम्हारा मोबाइल ये रहा, मेरे पास था, मैंने निकाल लिया था, मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी वगैरह वगैरह। चल आगे से फ़ोन चेक करा के चला गया, और बाद में मुझे पता चला फ़ोन पे पैटर्न लॉक लगा हुआ है, इसकी मैंने कंप्लेन भी डाली थी अमेजोन में, और बाद में जाके अमेजोन से फ़ोन रिप्लेस हुआ। अगर आपने मेरा अमेजोन डिलीवरी बॉय चीटेड मी वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले। आज मैं आपसे रिवील करने वाला हूँ कि बाद में क्या हुआ, कैसे फ़ोन रिप्लेस हुआ, कैसे मुझे पैटर्न का पता चला, और कैसे उस बंदे की मैंने कंप्लेन की। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग प्लस व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी मैं इसमें डाल रहा हूँ वीडियो में। और गाइस, जो समझते थे कि ये वीडियो फेक है, ये वीडियो उन सब के लिए एक आंसर है। गाइस, हर कोई फेक वीडियो नहीं डालता, कुछ लोग रियल वीडियो भी डालते हैं आप सबकी हेल्प करने के लिए। कॉल रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना, हेडफोन्स लगा के सुनना। इसमें मैंने बंदे से प्यार से थोड़ा अपनी तरफ से झूठ बोल के उससे पैटर्न निकलवाने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट उसे बोल देता भाई तेरी मैंने कंप्लेन करा दी तो गड़बड़ भी हो सकती थी। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग में आगे आपको सुनने को मिलेगा कि उसको उसके किए का फल मिल गया। इस कॉल रिकॉर्डिंग को ध्यान से हेडफोन्स लगा के सुने और समझें कि क्या सिनेरियो था और क्या हो रहा था। जल्दी से कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो गाइस, फिर मैं आप, और स्किप बिल्कुल नहीं करना, कॉल रिकॉर्डिंग को स्किप नहीं करना, स्किप कर दोगे तो आप मिस कर जाओगे। तो जल्दी से आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो, तब मैं आपके पास वापस आता हूँ। हेलो, हेलो। अरे भाई फोन में यार तुमने पैटर्न लॉक लगा रखा है, मैं कल आके बता दूंगा। कल आके मैंने उसकी कंप्लेन करा दी और रिप्लेस करवाऊंगा मैं इसको यार। अच्छा, कल करवाओ। हाँ, कंप्लेन डाल दी, उसकी रिप्लेस की डाल दी। ना मैं आ जाऊंगा, कल मिल जाऊंगा तुम्हें। अरे नहीं भाई, बहन को देना है, और मुझे ऐसे सही नहीं लग रहा फोन ऐसे। तुम्हारा कोई नाम नहीं लिया मैंने उसमें। अच्छा, क्या कह दी तुमने? कह दिया मैंने, खोल के देखा तो खुला हुआ निकला और लॉक लगा हुआ है इसमें। कंप्लेंट करी गई? नहीं, यही बात की डाली है। लेकिन भाई अगली बार से ध्यान रखना, किसी के साथ ऐसा करना नहीं। ठीक है। हेलो, हेलो कौन भाई? दीपक बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, याद है फोन वाला को? हाँ, इसका पैटर्न बता दो भाई यार, ये वापस नहीं वाला पैटर्न कर रहा। टाइम कैसा वाला, छोटा बड़ा? ये वो तेरा वाला नहीं आता, नीचे से शुरू करके ऊपर तक? नहीं नहीं नहीं, बीच में नीचे नीचे लिंग में होता है, मुझे हमें जो हमने निकाल दिया उसके पीछे। हाँ, तो बीच में शुरू करना है, नीचे से, नीचे से उल्टे हाथ के कोने से। ठीक। अरे मैं वैसा आपको थोड़ी देर बाद में बात करूंगा, इस नंबर की बात करूँ? हाँ कर दो यार, इस चक्कर में वापस नहीं जा रहा है। क्या कह रहा हूँ कस्टमर यार, वहाँ था बंदा कि भाई लॉक लगा तो इसका नंबर कैसे चेक होगा? आप दोबारा कंप्लेन कराइए, कल आएगा अगर आया तो। अरे उन्होंने सॉरी ने मैं लगा दिया, मैं ठीक है। तो मैं निकाल दी कैसे? वो क्या नाम है, घोसड़ी वाले ने, एक ने कंप्लेन कर दी तुम्हारे ना पीछे ने। अच्छा। हाँ कंप्लेन ऐसी हुई, मैं नौकर दी की भाई डिलीवरी कर दूंगा शाम तक, हो जाएगी यही बात है। अच्छा, ये डिलीवरी क्यों नहीं शाम को, इसलिए कंप्लेन डाल दी? हाँ हाँ, बहुत अच्छे, हम तो अगले की मजबूरी हमने कुछ कही नहीं, हमने अगले की मजबूरी समझ के कुछ कही नहीं, अगले ने तो डिलीवरी ना हो तो कंप्लेन डाल दी, बहुत बढ़िया। हाँ बता देते ऐसे में टाइम मान लो एक बार बीच। जैसा आपने फर्स्ट कॉल रिकॉर्डिंग में सुना कि मैंने उस बंदे से बोला भाई तुम्हारी वजह से फोन रिप्लेस नहीं हो पा रहा, तुमने इसमें पैटर्न लॉक लगा रखा है, तो वो बोलता है
कि मैं कल आके कर जाऊंगा वगैरह वगैरह, जिसको मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैंने कंप्लेन करा दी है रिप्लेसमेंट के लिए, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया है। ऐसा मैंने इसलिए बोला जिससे मुझे आगे जाके उस डिलीवरी बॉय की तरफ से कोई दिक्कत ना आ जाए। ओके, फिर सेकंड कॉल रिकॉर्डिंग में आपने सुना कि कैसे मैंने उससे पैटर्न मांगा, पैटर्न के साथ साथ उससे मैंने कहा आप मुझे व्हाट्सएप कर दो प्लीज, और आगे जाके पता चला अमेजोन ने उसको किसी और रीजन की वजह से निकाल दिया है, शायद मेरी कंप्लेंट की वजह से भी हो सकता है, आई डोंट नो। मैंने उस पर फॉलो अप नहीं किया जब मुझे पता चला कि उसको निकाल दिया है। तो गाइस, अगली बार से कभी आप किसी का इस तरह का वीडियो देखें तो भद्दे भद्दे गंदे कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सोचें, वीडियो को 2 से 3 बार तक जरूर दोबारा देखें और समझें, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ यार, कुछ लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए जो मुझे अथकार के डिलीट करने पड़े, लेकिन बाद में मैं थोड़ा पक गया, अब मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया उनके गंदे कमेंट्स से, क्योंकि मैं जानता था मैं ठीक कर रहा हूँ, सच बोला है मैंने, मैंने कोई झूठ नहीं बोला किसी से, ना मैं किसी को धोखा दिया है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल से मिलते रहे। दिस इज दीपक योर फ्रेंड साइनिंग ऑफ, टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।